भी नहीं दिया जा रहा है और गुस्सा आता है। तो अब यहां पास बार बार भगवान ने मनाने का प्रयास किया, तब देवी पार्वती बड़ा ही सुंदर प्रश्न करती हैं, बोलिए शंकर भगवान की, ओम नमः शिवाय, 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 गंगा रहती है गौर जा पूछ दी रहती है, जटा बिच गंगा रहती है गौर जा पूछ दी रहती है, दुदस मेरे बोले गंगा तेरे के लगती है, दुदस मेरे बोले गंगा तेरे के लगती है, जटा बिच गंगा रहती है गौर दी रहती है, जटा बिच गंगा रहती है गौर का पूछती रहती है, तू सुन मेरे बोले गंगा तेरी की लगती है, तू सुन मेरे बोले गंगा जा रहा, और बीच में ओम नमः शिवाय भी कहा जा रहा है, भाई सही सही जवाब भी दे दे, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हाथ दिए कंजन सुन लो रे मैं ताल गया सोतन तेरी हाथ दिए कंजन सुन लो रे मैं ताल गया सोतन तेरी मैं कह तो लुक दे दिया जटा बिच छछनी दे दिया मैं कह तो लुक दे दिल दे बोले मैं तेरी पैर लगतिया तो दिल दे बोले मैं तेरी पैर लगतिया बोलो ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय शिवाय ओ नमः शिवाय
बात बता के गए थे, यहां पूरी लिस्ट ये भी नहीं बताया हे भगवान, ये भी नहीं बताया। पति बनते हमारे, स्वामी हमारे, इस प्रकार से अपने प्रेम का जो भगवान शिव हैं, उन्होंने जो अपने प्रेम का जो उत्तर दिया, उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि जो मेरी जटाओं पर है गंगा, वो तुम्हारी बहन है। और बहन किस प्रकार से है, क्योंकि गंगा वतरण जो तीर्थ है, जिस स्थान पर गंगा गिरी है, वो उस स्थान की जो नरेश थे, जो राजा थे, वो हिम थे। और हिम की ही जो पुत्री थी वो सती थी। हिम की जो पुत्री है इसी प्रकार से वो पार्वती भी हैं और वो सती भी, दोनों। चाहे आप सती माने या पार्वती माने, ये तो स्पष्ट हो गया। ये गले में मुंडों की माला किसकी, भगवान ने कहा मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं। हे देवी पार्वती, तुमने जब जब अपने शरीर का त्याग किया, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुमने अपने शरीर का त्याग किया, तब तब मैं तुम्हारी याद के लिए, मैं जो तुम्हारा मुंड होता था उसको मैं अपने गले पर धारण करता था। देवी पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब हमने इतनी बार अपने शरीर का त्याग किया है और आप वैसे के वैसे बरकरार, आखिर इसका राज क्या है। तो भगवान को कौन नहीं जानता। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतेत मी संगिरेशं, निराकार गोतेत मी संगिरेशं, करालं
कृपालम कृपालम गोड़ागार संसार परम न तो हम नमामीश मेशान देवान रूपम त्रियोंद्यापकम ब्रह्म देदस रूपम नमामीश मेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस रूपम नमामीश मेशान देवान रूपम त्रियोंद्यापकम ब्रह्म वेदस रूपम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वास्तविकता से अवगत कराया गया उसके बाद जैसा कि सारी बातें जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताई तो माता पार्वती ने कहा कि आप अजन्मा हैं, मुझे भी अजन्मा बनना है। मुझे भी ये बनना है, मुझे भी वो बनना है, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। और भगवान भोलेनाथ ने जो देवी को अमर कथा सुनाई वो अमरनाथ गुफा में सुनाई जो जम्मू कश्मीर में है। वर्ष में केवल 2 से 2.5 महीने के लिए ही वो खुलता है। आप में से कई जन गए भी होंगे। नाथों का नाथ है वो अमरनाथ धाम। सबसे उसकी जो चढ़ाई है, सबसे उसकी जो घाटियां है वो क्लिष्ट। अगर शेषनाग घाटी है तो जैसी घाटी है वैसे उस घाटी का नाम भी शेषनाग। अगर घाटी है तो वो शेषनाग की ही तरह घाटी बनी हुई। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप नहीं सुन पाओगे। हाथ पकड़ के बैठ गई, नहीं हम सुनेंगे और आप सुनाएंगे, नहीं तो अभी आप इतने अभी तो मना लिया फिर उठ जाएंगे। इतनी मेहनत से भगवान ने बनाया, कहा मानने से रही नहीं, भैया चलो। उस स्थान पर जाकर के भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा का गान किया और अमर कथा सुनते सुनते देवी सो गई। तो इस प्रकार से जो धामों का धाम है वो अमरनाथ धाम है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वंदे वंदन तुष्ट मान समति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखलैश वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवम् सत्य प्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शंकरम्। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि एक बहुत बड़ा दैत्य था, नाम था उसका तारकासुर। आखिर तारकासुर का वध कैसे हुआ और किसने किया और कैसे किया? सूत जी महाराज
प्रश्न को सुन करके प्रसन्न चित्त मन से इसका उत्तर देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुने, तारकासुर का वध जानने के लिए हमें ये जानना होगा, क्योंकि तारकासुर जो राक्षस था उसने ब्रह्म की तपस्या करके, ब्रह्मा जी की तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए। और जो राक्षस होते हैं, जो राक्षस स्वभाव के होते हैं और जो राक्षस प्रकृति के होते हैं, ये अपने आप से ज्यादा होशियार किसी को समझते भी नहीं, उनकी प्रकृति में है, स्वभाव में है। इस प्रकार से तारकासुर ने अनेक वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा तो क्या मांगा, क्योंकि तारकासुर को पहले ही पता था कि जो भोलेनाथ हैं वो अवघड़दानी हैं, इनका ब्याह आया कभी होने वाला है नहीं, ना वो पसंद करते हैं। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मुझे ना कोई देव, ना दानव, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, जितनी भी योनियां हैं, कोई भी योनियों में से मुझे कोई मार ना पाए। ब्रह्मदेव ने कहा, तारकासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से तो प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये वर नहीं दे सकता, क्योंकि ये विधान के खिलाफ है, तुम और कोई वर मांग लो। तारकासुर ने अपने तरीके से दिमाग लगाया।